नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम अपनी विशेष श्रृंखला भारतीय काव्य का शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे काव्य हेतु इस विषय पर। और इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पीसी टंडन। प्रोफेसर पीसी टंडन, आप सभी को बताना चाहेंगे, हिंदी के एक सुविख्यात प्रोफेसर हैं जिनके माध्यम से हम नित्य प्रति हिंदी के विभिन्न विषयों से आप सभी को अवगत कराते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और आप सभी छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान रूपी सागर से सदैव लाभान्वित करते हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे, अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न इस व्याख्यान को सुनते हुए उत्पन्न होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आप सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे, आप व्याख्यान के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें। और आपसे ये भी निवेदन है, कृपया कर प्रश्न जो भी पूछें वो विषय संबंधी हो। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, भारतीय काव्यशास्त्र विषय की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे काव्य हेतु पर। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये दो वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी जानकारी काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों तक पहुंचने से पहले उसकी जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। हेतु शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह कारण है, यानी कोई व्यक्ति यदि कवि बन जाता है तो उसका क्या कारण है कि वह कवि है, यानी अन्य नागरिकों से, व्यक्तियों से वह यदि भिन्न हो जाता है, कवि रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, तो उसके कौन से प्रेरक कारण हैं जो उसे कवि बनाते हैं। इस दृष्टि से काव्य हेतु जो विषय है उस पर व्यापक और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। भारतीय काव्यशास्त्र में संस्कृत के विद्वानों ने इस पर विचार किया और हिंदी के जो समालोचक हैं, काव्यशास्त्री चिंतक हैं, उन्होंने भी इस पर विचार किया। कवियों ने भी इस विषय में सोचा है। मध्यकाल के कुछ कवि जिन्होंने काव्यशास्त्र विषयक लेखन किया, उन्होंने भी काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के लक्षण, इन पर चिंतन किया है। और शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित चिंतन भी हमें हिंदी कवियों में, हिंदी समालोचकों में मिलता है। और पाश्चात्य चिंतक भी इन तमाम विषयों पर अपनी दृष्टि से विचार करते रहे हैं और उन्होंने भी इनसे संबंधित जो रहस्य हैं उनको उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। हम जानते हैं कि कविता यह एक विशिष्ट रचना धर्म है और यह विशिष्ट रचना धर्म व्यक्ति को कवि बनाता है। और कवि हृदय सामान्य व्यक्ति या सामान्य हृदय से भिन्न होता है। कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो है वह संसार का और सांसारिकता का कोना कोना झांक लेता है और इसीलिए कवि को सृष्टा के रूप में भी देखा गया है। कविता करना केवल शब्द और अर्थ का संयोजन कविता नहीं है। यह ठीक है कि शब्द के साथ उसकी सार्थकता होना आवश्यक है, किंतु क्या केवल सार्थक शब्दों का समूह, पदबंध, वाक्य रचना यह काव्य बन जाता है? इस पर भी विचार किया गया, जिसकी चर्चा आगे काव्य के स्वरूप में विस्तार से की भी जाएगी। लेकिन काव्य का हेतु जब हम विचार करते हैं
तो मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि कोई जन्मजात कवि होता है, बाई बर्थ ईश्वर प्रदत्त कोई विशिष्ट अनुकंपा उसे प्राप्त होती है इसलिए वो कवि होता है, या वह यहाँ आकर शिक्षा से, ज्ञानार्जन से, संगति से, अध्ययन से, साधना से या प्रशिक्षण आदि से कवि बनता है। कहा तो सामान्यतः यह जाता है कि कवि जन्मजात होता है, काव्य प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, यह एक सामान्य धारणा है। किंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो अन्य कारणों से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर कवि बन जाते हैं। ऐसी धारणा पहले रही है कि काव्य लेखन की शिक्षा वह संभव नहीं है, लेकिन मध्यकाल के, उत्तर मध्यकाल के कवियों ने, जो आचार्य कवि हैं, उन्होंने काव्य शिक्षण, कवि शिक्षक की भूमिका, उन्होंने कवि बनने की शिक्षा दी है। और बहुत सारे शास्त्र निरूपण के आधार पर संस्कृत से प्रेरित होकर हिंदी में, ब्रजभाषा में इस प्रकार के ग्रंथों का सृजन किया है, जहां उन्होंने काव्यांगों की विस्तृत विवेचना भी की है। तो ठीक उसी तरह जब हम काव्य को एक कामिनी के रूप में, एक नायिका के रूप में देखते हैं, तो काव्य के बहुत से अंग भी हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत से अंग होते हैं, हाथ हैं, पैर हैं या मस्तक है, आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, लेकिन इन सब के साथ साथ शरीर के को धारण करने वाली आत्मा भी है। इन सभी अंगों का अपना विशिष्ट महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु इस शरीर की सार्थकता आत्मा से है। यदि आत्मा शरीर में न हो तो बेजान शरीर निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। किंतु आत्मा को धारण करने के लिए शरीर भी आवश्यक है, बिना शरीर के आत्मा की सार्थकता भी संदिग्ध हो जाती है। भले ही हम यह पढ़ते लिखते रहे हैं, यह जानते रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, अनश्वर है आदि आदि, इस सब के बावजूद परस्पर पूरकता शरीर आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है और आत्मा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से काव्य में, काव्य की आत्मा विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। कविता की आत्मा किसे माना जाए, इस चिंतन विषय को लेकर जो भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्यों की एक बड़ी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, आदि आचार्य भरत मुनि से लेकर एक के बाद एक मम्मट तक, फिर मम्मट के बाद जो दूसरी परंपरा शुरू होती है, उनमें हम देख सकते हैं कि सभी ने आत्मा विषयक, काव्यात्मा विषयक अपने मंतव्य को तर्कों सहित, उद्धरणों सहित प्रस्तुत किया है। तो वहीं उसी विवेचना के अंतर्गत ये जो विभिन्न संप्रदाय हमारे समक्ष आए, जिनको हम रस संप्रदाय कहते हैं, तो रसवादियों ने रस को काव्य की आत्मा स्थापित करने का प्रयत्न किया, ध्वनिवादियों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया, रीतिवादियों ने रीति को काव्य की आत्मा, और इसी तरह अलंकार को या औचित्य को, इन सब को अपने अपने ढंग से तर्क वितर्क के आधार पर दूसरे संप्रदायों के कुछ कमियों को, नकारात्मक बिंदुओं को उजागर करते हुए और अपने संप्रदाय की विशेषताओं को उजागर करते हुए उन्होंने काव्य की आत्मा
अपने संप्रदाय के मूल मंतव्य को घोषित करने का, स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यही भारतीय काव्यशास्त्र के मूल में ये बातें रही हैं और काव्यांगों में, काव्य के अंगों में इन सब के साथ साथ रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, लय विधान, तुक विधान, ऐसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा हुई है। अब प्रश्न यह कि यह तो कविता की सामग्री है, किंतु क्या सामग्री एकत्रित कर देने से कोई व्यक्ति कवि बन सकता है? हमने उपकरण उपलब्ध कराए, स्रोत सामग्री उपलब्ध करा दी, क्या उससे कवि बन जाएगा? या कवि बनने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षाओं की, आवश्यकताओं की ज़रूरत रहती है? उस पर इस विषय पे चर्चा करते हुए आचार्यों ने विचार किया है। इसलिए काव्य का हेतु जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं काव्य का कारण क्या है, और जब हम प्रयोजन की बात करते हैं तो प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है। इसका मतलब कोई कवि किस उद्देश्य से कविता करता है। कवि तो है, कवि होने के अनेक कारण हैं, लेकिन वह कविता करता है तो उसके काव्य रचना का उद्देश्य क्या है, वह सब काव्य प्रयोजन के अंतर्गत विचार किया गया। और भारतीय संस्कृत के आचार्यों ने, हिंदी के आचार्यों ने और पाश्चात्य चिंतकों ने इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से अपने अपने मत का प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो काव्य हेतु है उसका मूल अर्थ या मूल तात्पर्य उस तत्व से है जो काव्य रचना का प्रेरक कारण है। काव्य रचना का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता, हर व्यक्ति कवि नहीं होता, यह हम देखते हैं। कुछ लोग घटना को देखते हैं, देखने के बाद उसका कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करते, और कुछ लोग घटना को देखते हैं फिर उसे अपने हृदय की संवेदनात्मक भट्टी में वो तपाते हैं और फिर उससे अपने अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर वो एक काव्य का सृजन भी करते हैं। कविता में अनेक प्रकार के विषय शामिल होते हैं, उनका संबंध समाज और संस्कृति से होता है, सामाजिक से होता है, किंतु यह जो सामर्थ्य है काव्य करने का, यह केवल उस व्यक्ति में होता है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिभा, जिसे हम एक अलग तरह का तत्व मान सकते हैं। किसी अंग्रेजी शब्द से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। हालांकि स्किल की बात होती है, लेकिन स्किल में वह बात जो गॉड गिफ्टेड में है, हमारे यहाँ लोक में कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, जो बिरवा यानी पौधे जो होनहार होते हैं, आगे चलकर बड़ा वृक्ष बनने की संभावना जिनमें होती है, उनके पत्ते प्रारंभ में ही, बाल्यकाल में ही चिकने दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रतिभा है यह बाल्यकाल में पलने में ही दिखाई देती है, जन्म से विरासत में प्राप्त होती है, इसका उल्लेख भी शास्त्र में किया गया है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो जो वास्तव में कवि भी कई प्रकार के होते हैं, कवियों को यदि श्रेणीबद्ध किया जाए तो उनकी प्रतिभा के आधार पर, कविता के स्वरूप के आधार पर, कविता के प्रभाव के आधार पर, कविता की ग्राह्यता के आधार पर और कविता की कालजयी शक्ति के आधार पर हम कवि को भी अनुमानित कर सकते हैं
कि ये किस वर्ग का कवि है। बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के वर्ग के कवि भी हमारे पास हैं, कुछ उससे कम प्रतिष्ठा वाले कवि भी हमारे पास हैं और कुछ बहुत कम प्रतिष्ठा वाले कवि भी हैं। कुछ कविताएं जो शताब्दियों पहले लिखी गई थी, कुछ कवि जो शताब्दियों पहले हमारे समक्ष आए थे, वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, आज भी उतने ही पठनीय हैं और उनको उनकी कविता को कंठस्थ करने की वृत्ति अभी भी दिखाई देती है। और कुछ इधर जो बाद के कवि हैं, विशेष रूप से जब हम छायावाद के बाद की हिंदी कविता की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो बड़े बड़े कवि तो छायावाद के बाद भी प्रतिष्ठित कवि उसके बाद भी हमें मिलते हैं, उनका निरंतर उनकी पठनीयता बनी रहती है। लेकिन बहुत कवि ऐसे भी हैं जो कवि के रूप में आए और विलुप्त हो गए, वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रह गए या प्रायोजित कार्यक्रमों तक सीमित रह गए। और कुछ कवि आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी इस प्रकार के कवि हैं जो अपनी कविता से, अपनी काव्य रचना से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाकर रखते हैं। तो कविता के भी अनेक प्रकार हैं, किस तरह की कविता, काव्य का स्वरूप क्या है, उस पर भी चर्चा करते हुए हम इस बिंदु पर विचार करते हैं। तो इस तरह से यह जो विशिष्ट प्रतिभा है, यही काव्य का हेतु है। फिर प्रतिभा को भी आगे चलकर आचार्यों ने विभक्त किया, विभाजित किया, उसके भी प्रकार निश्चित किए, कार्यत्री है या भावयत्री है। काव्यशास्त्रियों ने काव्य हेतुओं का उल्लेख करते हुए प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना, चाहे वो भारतीय शास्त्रीय चिंतन करने वाले आचार्य हैं संस्कृत के, हिंदी के, या पाश्चात्य चिंतन करने वाले, वहाँ प्रतिभा का एक समतुल्य शब्द उन्होंने शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु पर चिंतन करते हुए सबसे पहले नैसर्गिकी प्रतिभा की बात की। नैसर्गिकी माने वो जो नैसर्गिक है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो ईश्वर प्रदत्त है, वह। दूसरे हेतु पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि वह निर्मल शास्त्र ज्ञान है। अब शास्त्रज्ञ अगर होगा कवि, जैसा कि हमने उत्तर मध्यकाल के कवियों को देखा कि उन्होंने संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का खूब गहन अध्ययन किया और वहाँ से फिर काव्य के अंगों को आत्मसात करते हुए विवेचनात्मक दृष्टि से उन्होंने निरूपक आचार्य के रूप में ग्रंथों का सृजन किया और फिर वहाँ से काव्य के लेखन के की आधारशिला क्या है, काव्य के लेखन के उपयुक्त और सार्थक उपकरण क्या हैं, काव्य के अंग क्या हैं, इनका निर्धारण किया और काव्य सृजन भी किया। जब वो लक्षण देते हैं तो उद्धरण भी देते हैं, उद्धरणों में जो उनका कवि रूप है वो बहुत मुखर रूप से सामने आता है। इसलिए निर्मल शास्त्र ज्ञान को भी काव्य का दूसरा हेतु माना, प्रतिभा के बाद, नैसर्गिक प्रतिभा के बाद निर्मल शास्त्र ज्ञान, आचार्य दंडी ने इसकी स्थापना की। और तीसरा, उन्होंने अभियोग को, अमंद अभियोग जिसे अभ्यास कहा गया, अभ्यास को भी काव्य का हेतु माना है। अभ्यास के विषय में हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में रहीम ने करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, कुएं की दीवार पर बार बार रस्सी बाल्टी के साथ नीचे जाती है और बार बार खींची जाती है, यह सिलसिला निरंतर चलता है, उससे रस्सी जो है वो कुएं की दीवार को भी घिस देती है। तो अंग्रेजी में वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये जो अभ्यास है यह भी कवि बनने का प्रेरक कारण है। यदि हम निरंतर कविता लिखें, हो सकता है कि प्रारंभ में कविता बनी ही ना, हो सकता है कि हमें स्वयं अपनी कविता पर भरोसा ना हो और हम उसे लिखकर फाड़कर फेंक दें, लेकिन धीरे धीरे यदि हम
लगे रहें निरंतर सृजन में, लेखन में, और एक संकल्प हो, एक इच्छा शक्ति हो के जब तक अच्छी कविता नहीं लिख लेंगे, जब तक लिखने का एक आत्मविश्वास नहीं आ जाएगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो कविता बन जाएगी और धीरे 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 फिर वो निखरेगी भी, फिर और बेहतर होगी, क्योंकि कविता में एक शिल्प भाव भी है, शिल्पकार जब काम करता है एक कलात्मकता भी है, क्योंकि काव्य तो कला भी है, और कलाकार जब उसे निखारता है, बार बार मांझता है, तो वो बेहतर बनती है। हालांकि कविता के बारे में अनेक प्रकार की धारणाएं, विचार और मत हैं। घनानंद ने कहा, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोह तो मोरे कवित्त बनावत, कि कुछ लोग कविता बनाने में लगे हुए हैं लेकिन मुझे तो मेरी कविता बना रही है। तो जब वो ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता तो स्वतः स्फूर्त होती है, और कविता जब स्वतः स्फूर्त होती है तो वो कवि का निर्माण करती है। इसका अर्थ है कि कवि कविता का निर्माण नहीं करता, बल्कि कविता कवि का निर्माण करती है, और वो कब होती है, जब ईश्वर प्रदत्त होती है। तो फिर से प्रतिभा पर बात आकर रुकती है, लेकिन सारे कवि प्रतिभाशाली हों या सभी कवि उस नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न हो, यह भी कहना संभव नहीं है। इसलिए तीनों प्रकार की हेतु पर, तीनों प्रकार के हेतु पर विचार किया गया और उनकी स्वीकृति भी लगभग सर्वसम्मति से हुई है। बस यह जरूर है कि प्रतिभा को मुख्य हेतु माना गया, सर्वप्रमुख हेतु माना गया, और उसके बाद फिर शास्त्र ज्ञान को, व्युत्पत्ति को, शास्त्र ज्ञान को व्युत्पत्ति भी कहा गया, ये व्युत्पन्न है शास्त्र ज्ञान जो है, और अभ्यास तीसरा हेतु माना गया। इसी प्रकार संस्कृत के काव्यशास्त्रियों में रुद्रट और कुंतक, ये दो आचार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्होंने भी शक्ति, शक्ति शब्द प्रतिभा के प्रतिरूप, प्रतिभा के समतुल्य, तो शक्ति के रूप में शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ये शक्ति गॉड गिफ्टेड है, ये आंतरिक शक्ति है, ये आत्मिक शक्ति है, ये भावात्मक शक्ति है, इसका इस रूप में विचार किया गया। व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीन हेतुओं की चर्चा आचार्य रुद्रट ने और आचार्य कुंतक ने भी विस्तार से की है। आचार्य वामन ने कुछ और आगे बढ़कर काव्य हेतुओं पर चिंतन किया, विचार किया, और उन्होंने कहा कि काव्य हेतु के लिए एक तो लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में कविता और कवि सामाजिक होता है, हालांकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये अलग प्रश्न है कि वो हूबहू दर्पण होता है या उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। हूबहू दर्पण तो सामान्यतः नहीं होता, क्योंकि जो घटना जिस समय, जिस देश में, जिस काल में घटी थी, देखी थी, उसका अभिव्यक्ति कौशल, उसकी अभिव्यक्ति उसी समय हो, उसी रूप में हो, यह संभव भी नहीं है। उसमें कवि भी शामिल होता है, कवि का भावलोक भी शामिल होता है, कवि की सृजनात्मक कल्पना शक्ति भी शामिल होती है, तो वो हूबहू तो दर्पण नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक युग को, युग बोध को, साहित्य को, साहित्यिक मान्यताओं को या समाज को और सामाजिकता को समझने के लिए कविता मदद करती है। इसलिए लोक, जिसमें लोक व्यवहार और लोक व्यवहार विषयक ज्ञान, इसको भी काव्य का हेतु बताया। आचार्य वामन ने इस पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने कहा कि विद्या भी काव्य का हेतु है। विद्या में उन्होंने शास्त्र ज्ञान को लिया, संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र या काव्य शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सारे जो शास्त्रीय अनुशासन हैं, इनको भी विद्या के अंतर्गत उन्होंने काव्य का हेतु माना कि कवि को इन सब का अध्ययन करने से कवि बनने की प्रेरक भूमि प्राप्त हो जाती है। और प्रकीर्ण की बात उन्होंने की, प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने विस्तार से कुछ बिंदु गिनवाए कि प्रकीर्ण में क्या क्या शामिल होगा। पहला लोक बताया, विद्या बताया,
और तीसरा प्रकीर्ण बताया। प्रकीर्ण में उन्होंने काव्यों का अध्ययन, कविताओं का, काव्य ग्रंथों का, यानी अध्ययनशीलता भी कवि बनने में सहायक है। तो ये जो काव्यानुशीलन है ये महत्वपूर्ण है। वास्तव में यदि पति पत्नी में दोनों में एक व्यक्ति कवि हो तो दूसरा भी कविता सुनते सुनते धीरे धीरे कवि हृदय बन जाता है, कवि मन उसके पास भी तैयार होने लगता है, क्योंकि लगातार दोनों में से एक जो कवि है, पार्टनर जो साथी है, वो अपनी नव रचित कविताएं सुनाता है, प्रतिक्रिया को आत्मसात करता है। तो ये जो काव्य का अध्ययन, काव्य का श्रवण, काव्य विषयक चर्चा, कवि सम्मेलनों में शामिल होने की वृत्ति, ये सब भी कविता के योग्य, काव्य का पात्र, रचना का पात्र बना देते हैं। और अभ्यास को भी इसी के अंतर्गत वामन ने स्वीकार किया। वो अभियोग कहते हुए इसे अभ्यास बताते हैं और प्रकीर्ण में वो अभ्यास को शामिल करते हैं। पहला लोक बताया, फिर विद्या बताया और फिर प्रकीर्ण के अंतर्गत काव्यानुशीलन, अभ्यास और इसी के साथ साथ गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान, शिक्षा, इसको भी वो प्रकीर्ण के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। वृद्ध सेवा, बुजुर्गों की सेवा, इसको भी वो काव्य का हेतु मानते हैं, क्योंकि उसमें उनकी मान्यता यह भी है कि जो शुभाशीष है वह भी काव्य के रचना के योग्य तैयार कर देता है। आशीर्वाद में भी बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है आशीष लेने और आशीष देने की। तो बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो, वृद्धों की सेवा अगर की जाए, तो उससे भी कवि धर्मा बना जा सकता है। इसी प्रकार जो शब्द चयन की कला है, क्षमता है, सामर्थ्य है, और उन उपयुक्त शब्दों के चयन का सामर्थ्य, इसलिए कवियों ने रचना करने से पहले प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए उस अपने आराध्य से, अपने इष्ट से यह याचना की, यह प्रार्थना की कि मुझे सारस्वत कृपा से शब्द संपदा मिले, शब्द शक्ति मिले, विराट काव्य रूप रचने से पहले मुझे शब्दाभाव का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से ये इसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया और इसी के अंतर्गत वामन ने प्रतिभा को शामिल किया। अन्य आचार्य प्रतिभा को पहले रख रहे हैं, इन्होंने प्रकीर्ण के अंतर्गत प्रतिभा को शामिल किया। और अंत में चित्त की एकाग्रता, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी कहते हैं तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये चित्त की एकाग्रता भी व्यक्ति को कवि बनाती है, इसलिए काव्य के हेतुओं में प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने इन छह बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। तो यह संस्कृत के प्रारंभिक चिंतन को हमने काव्य हेतु के रूप में आपके समक्ष रखा। अब अभी हम एक अल्प विराम लेते हैं और फिर इस विषय पर आगे जारी रखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे आगे दीजिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन को, जिनके माध्यम से हमने आज के सत्र को यहाँ समाप्त किया। मित्रों, हम जानते हैं आज का विषय रोचक है और आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के उपरांत हम आप सभी के सम्मुख पुनः प्रस्तुत होते हैं। हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, CEC-UGC लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं आज हमारी चर्चा का विषय है काव्य हेतु, और इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और गत कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। CEC के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से भी आप अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं या वो लोग जो रुचि रखते हैं हिंदी विषय में, आप सभी डॉक्टर टंडन के लेक्चर्स को देखते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, इस बात की हम कामना करते हैं। मित्रों, सदैव आपके मन में प्रश्न उठते हैं और आपके प्रश्नों का निदान देना, उनका जवाब देना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आज के विषय संबंधी अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप साझा करें हमारे साथ। आप इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का एक बार फिर, और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर टंडन, आपका एक बार फिर से स्वागत। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम काव्य हेतु विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कविता के हेतु यानी कविता के कारण पर विचार करते हुए संस्कृत के जो प्रारंभिक आचार्य हैं उन्होंने प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को, इसकी चर्चा की और इसको काव्य का हेतु माना, और प्रकीर्ण के अंतर्गत लोक को भी उतना ही महत्व दिया गया, अध्ययन को भी, अध्ययनशीलता को भी महत्व दिया गया। इसी प्रकार वृद्ध सेवा, बुजुर्ग सेवा, उसको भी महत्व दिया गया। ऐसे तमाम उन बिंदुओं को उजागर किया, और इसमें हमने देखा कि रुद्रट हैं, आचार्य कुंतक हैं, आचार्य दंडी हैं और वामन हैं, इन सब ने अपने अपने ढंग से कविता के हेतु को व्याख्यायित किया। अब हम चर्चा करते हैं आचार्य मम्मट की। मम्मट जो काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए मुख्य रूप से शक्ति को यानी प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं, और उनका मानना है कि पहले प्रमुख हेतु शक्ति या प्रतिभा के बाद अन्य हेतुओं में लोक, काव्यशास्त्र और काव्य अध्ययन, श्रवण आदि, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें कविता का अध्ययन, कविता का निरीक्षण, कविता का मूल्यांकन, शास्त्र का अध्ययन, ये सब चीज़ें शामिल हैं, और इनसे जो निपुणता प्राप्त होती है, अध्ययन से, मूल्यांकन से, अवलोकन से जो निपुणता प्राप्त होती है वह व्यक्ति को कवि बनाती है। यानी जो कवि बनने का, जिसको हम काव्य बीज कहते हैं, कविता का बीज है, वह ग्रंथों के अध्ययन से निश्चित रूप से चित्त में प्रस्फुटित होता है। यानी हमें नए नए विचार, नई नई कल्पनाएं, नए नए बिंदु, नई नई वस्तु, विषय वस्तु, यह भी अध्ययन से प्राप्त होती है। और जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैश कहते हैं, दिमाग में, मनोमस्तिष्क में वह अध्ययन जो है वह नए नए विषयों को फ्लैश करता है, चमकाता है। इस तरह से निपुणता के बाद तीसरा उन्होंने संकेत किया कि जो मर्मज्ञ काव्य विशेषज्ञ होते हैं, जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, चाहे वो शिक्षक हों, कवि हों, आलोचक हों, अध्येता हों, है ना, मंच पर जो कविता पढ़ी जाती है सामूहिक रूप से, चाहे वो व्यंग्य की, हास्य की कविता हो, या वीरता की कविता हो, है, शौर्य की कविता हो, या गौरव गाथा की कविता हो, इन सब कविताओं में निरंतर रुचि लेना, उन कवियों के साथ बैठना, उनको सुनना, यह भी कवि बनाने का काम करता है। और अभ्यास, इन तीनों का समन्वित रूप, यानी कविता का अभ्यास, अध्ययन का, श्रवण का, वाचन का, पठन का, ये इन सब का अभ्यास, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं जिसमें प्रतिभा है, लोक है, काव्यशास्त्र है और अभ्यास है, ये तीनों मिलकर काव्य की रचना के हेतु बनते हैं। यह बात आचार्य मम्मट ने हमारे समक्ष अपने चिंतन में रखी। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर संस्कृत में जो आचार्य परंपरा है वह सीधे
या प्रकारांतर से। इन तीन मुख्य काव्य हेतुओं का चिंतन करते रहे हैं और आचार्य रुद्रट आदि ने या आगे चलकर अन्य आचार्यों ने जब चर्चा की तो शक्ति और प्रतिभा पर विचार किया, वैतुपत्ति और अभ्यास पर भी विचार किया कि इनका स्वरूप, इनके इनकी अवधारणा क्या है, उसका भी चिंतन हमें विस्तार से संस्कृत में मिलता है। रुद्रट ने शक्ति और प्रतिभा के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो नए नए स्वतः उद्घाटित करने वाली प्रज्ञा के प्रेरक कारण है वह प्रतिभा है। यह बात रुद्रट ने और भट्टतौत ने, भट्टतौत भी संस्कृत के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन्होंने विशेष रूप से जिसको प्रतिभा को नव नवोन्मेष शालिनी ऐसा भी कहा गया, नए नए उन्मेष को जन्म देने वाली, जागृत करने वाली, उद्घाटित करने वाली जो शक्ति है वह प्रतिभा है। तो नए नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन जिस शक्ति के कारण होता है उसे प्रतिभा यानी प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को प्रतिभा कहा गया है, ऐसी चिंता, ऐसा चिंतन हमारे समक्ष आया। आचार्य कुंतक ने पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कारों से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति, प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति, इसको प्रतिभा माना। आचार्य कुंतक का मानना है कि प्रतिभा पूर्व जन्मों के संचित कर्म, क्योंकि ये धारणा हमारे समाज में रही है कि कुछ कर्म जो पूर्व जन्म के हैं, अच्छे कर्म वह भी फलित होते हैं, बुरे कर्म वह भी फलित होते हैं, तो पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का पुण्य प्रताप या उसका पुण्य परिणाम कवि रूप में कवि को प्राप्त होता है, इसलिए। और वर्तमान जन्म के जो कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार और वर्तमान जन्म के कर्म, ये सब जब मिल जाते हैं तो प्रतिभा प्राप्त होती है। आचार्य मम्मट ने कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति माना है। कविता के निर्माण में जो बीज रूपी शक्ति है वही प्रतिभा है या वही शक्ति है, आचार्य मम्मट की मान्यता यह है। पंडित राज जगन्नाथ काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा मानते हैं। रमणीयार्थो प्रतिपादके काव्यम, रमणीय अर्थ के प्रतिपादन में जो शब्द सहायक होते हैं वह कविता बनते हैं। यानी पहले प्रारंभ में यह कहा गया शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि वह शब्द जो अर्थ को वहन करते हैं वह कविता होते हैं, लेकिन पंडितराज जगन्नाथ ने इसको परिष्कृत किया इस मत को और इसको एक नया संस्कार दिया और कहा कि केवल शब्दार्थ का उपस्थित होना कविता नहीं है, रमणीय अर्थ की प्रस्तुति यानी जिसमें पाठक रमण कर सके, श्रोता रमण कर सके। अगर उस कविता से हमारा तदाकार नहीं हो सकता, हम उसे आत्मसात नहीं कर सकते, तो वह कविता कविता नहीं बनती। इस प्रकार रुद्रट और जगन्नाथ के लक्षण लगभग एक से दिखाई देते हैं। इनके लक्षण काव्य के बाह्य तत्व, शब्द और अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो भट्टतौत का लक्षण काव्य के आंतरिक तत्व जो नव नव अर्थ, नए नए अर्थ, नई नई व्यंजनाओं की ओर संकेत करता है, इसलिए नव नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा को कहा भी गया है। कुंतक और मम्मट ने अपने लक्षणों में प्रतिभा की उत्पत्ति के कारण और उस कारण पर जो प्रतिभा को जन्म देते हैं उस पर विचार किया और यह कहा कि हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कार जब मिल जाते हैं तो प्रतिभा उद्भूत होती है, इसीलिए पूर्व जन्म के संस्कारों को प्रतिभा का उत्पादक कारण मानते हुए इस जन्म के संस्कारों और उसके परिष्कारक पोषक तत्वों को प्रतिभा का कारण मान लिया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभा को सर्वोत्कृष्ट माना गया और प्रतिभा की अनिवार्यता पर भी आचार्यों ने बल दिया। यह कहा कि यदि महाकवि बनना है, यदि श्रेष्ठ कवि बनना है, या जो महाकवि और श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उनके पास एक विलक्षण ईश्वर प्रदत्त जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा होती ही है, यह अनिवार्यता है, उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया है। प्रतिभा को सभी आचार्यों ने प्रकारांतर से या सीधे सीधे न केवल उत्कृष्ट अपितु सर्वोत्कृष्ट हेतु के रूप में प्रतिपादित किया है। मम्मट के अनुसार शास्त्र पठन तो गुरु के उपदेश द्वारा जड़मति के लिए भी संभव है। शास्त्र पठन और गुरु का उपदेश, शास्त्र की शिक्षा, यह तो जड़मति के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा का होना अपेक्षित है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी कवि नहीं होते, और यदि सभी कवि हो भी जाएं तो सभी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं होते। वामन और मम्मट के शब्दों में प्रतिभा को ही कवित्व का अंततः बीज माना गया। इस तरह दंडी ने प्रतिभा को आवश्यक माना, पर कभी कभी इसके अभाव में भी शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना की स्वीकृति को मान लिया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा हो बहुत अच्छी बात है, उससे कवि प्रतिभाशाली होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कवि के पास काव्य प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसने अध्ययन से, अभ्यास से, शास्त्र ज्ञान से ये काव्य धर्म अर्जित किया है, इसलिए वो कमा लेता है और वह भी कवि बन जाता है। किंतु आनंदवर्धन ने इस स्थिति में किसी भी रूप में शक्ति के बिना या प्रतिभा के बिना कवि बनने की बात को स्वीकृति नहीं दी। वो तो कहते हैं कि काव्य की रचना के लिए प्रतिभा एक अनिवार्य तत्व है, यदि प्रतिभाशाली नहीं है व्यक्ति तो फिर कवि के रूप में वह प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, स्वीकृत नहीं हो पाता, या उसे वो मान मर्यादा जो जिसकी अपेक्षा होती है वो नहीं बन पाती। मम्मट शक्ति को कवित्व का बीज मानते हुए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को नहीं, इनके समन्वित रूप को काव्य का हेतु मानते हैं। आचार्य मम्मट ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि तीनों जरूरी हैं, प्रतिभा भी जरूरी है, व्युत्पत्ति भी जरूरी, व्युत्पत्ति माने अध्ययन, वह भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है, लेकिन अलग अलग जरूरी नहीं है। एक कवि के पास इन तीनों का एक सम्मिश्रण अगर है, तीनों गुण उसके पास एक साथ उपलब्ध हैं, तो वो कवि बन सकता है। लेकिन कोई केवल अभ्यास से कवि बनना चाहे, केवल शास्त्र ज्ञान से कवि बनना चाहे, तो नहीं बन सकता। इसकी इस बात को मम्मट ने एकदम रेखांकित करके स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया। संस्कृत में आचार्य जयदेव ने इसी धारणा को एक रूपक के माध्यम से समझाया भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह लता की उत्पत्ति यानी बेल, लता यानी बेल, उसकी उत्पत्ति को, उस उत्पत्ति के लिए मिट्टी और जल से युक्त बीज चाहिए, मिट्टी नहीं होगी तो भी बात नहीं बनेगी, जल नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर बीज नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी। तो प्रतिभा यदि बीज है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास जल और मिट्टी का काम करते हैं, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो फिर काव्य का कारण बनते हैं। इसका अर्थ है कि काव्य रचना के लिए जब हम हेतु पर चिंतन करते हैं तो उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों की उपस्थिति एक साथ अपेक्षित मानी जाती है, होनी चाहिए। मम्मट के बाद यह वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई कि तीनों का सम्मिश्रण आवश्यक है, अपेक्षित है। आचार्य हेमचंद्र ने भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना और उन्होंने कहा कि व्युत्पत्ति और अभ्यास का होना यदि आवश्यक है
तो वो प्रतिभा के परिष्कारक रूप में आवश्यक है, यानी ये दोनों प्रतिभा को और अधिक प्रखर बना देते हैं। इसलिए प्रतिभा तो अपने आप में एक विशिष्ट गुण है ही, लेकिन यदि बीज को प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी की और पानी की जरूरत है, तो ये दोनों उसे प्रस्फुटित होने में मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। इसलिए ये प्रतिभा के परिष्कारक गुण हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसलिए इनकी महत्ता इसी रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति संबंधी चिंतन और विचार भी काव्यशास्त्र में किया गया। प्रतिभा की महत्ता को तो असंदिग्ध बना ही दिया गया और कहा गया कि जो मुख्य गुण है वह प्रतिभा है, लेकिन गौण गुण वह दोनों भी हैं। इसके बाद व्युत्पत्ति के बारे में चिंतन करते हुए यह कहा गया कि निपुणता को जो विभिन्न काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा जो गुण प्राप्त होता है उसे निपुणता कहते हैं, और वह व्युत्पत्ति है। यानी व्युत्पत्ति जो है वह कमाई जाती है, वह ईश्वर प्रदत्त नहीं होती। इस संसार में आकर कवि को कवि बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। इसलिए काव्य को साधना कहा गया। काव्य जो है वो साधना है, और साधक जब साधना करता है तो कवि के कविता के योग्य अपने को तैयार करता है। इसलिए काव्य का अधिकारी कौन है, इस पर चर्चा हुई कि काव्य के अधिकारी सब नहीं है, न तो ग्राहक में और न ही कवि बनने में। उसके लिए एक विशिष्ट सहृदयता की आवश्यकता होती है, उसका विचार भी किया गया। व्युत्पत्ति काव्य का हेतु मूलतः नहीं है, अपितु प्रतिभा के परिष्कारक तत्व के रूप में हेतु है। यह बात काव्य के व्युत्पत्ति बिंदु पर विचार करते हुए स्थापित की गई। इसके द्वारा सहजा प्रतिभा परिपुष्ट होती है, परिष्कृत होती है, प्रखर होती है, चमत्कृत होती है और शक्ति संपन्न होती है, मर्म स्पर्शनी होती है, सार ग्रहणी हो उठती है। देखिए, व्युत्पत्ति को प्रतिभा के लिए इसलिए आवश्यक बताया क्योंकि प्रतिभा में भी यदि परिष्कार करना है, उसे भी धार देनी है, उसे भी और अधिक बेहतर बनाना है, तो उसके लिए व्युत्पत्ति क्या काम करती है कि वह प्रतिभा को परिपुष्ट करती है, उसे परिष्कृत करती है, उसे प्रखर बनाती है, उसे चमत्कृत करती है, उसे शक्तिमान बनाती है, उसे मर्म स्पर्शनी बनाती है और उसे सार ग्रहणी भी बना देती है। इस तरह प्रतिभा के अभाव की पूर्ति भी अन्य किसी से नहीं हो सकती, यानी प्रतिभा की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना प्रतिभा के ये सारे गुण भी, यानी व्युत्पत्ति में जो जो गुण हैं वो सब भी कविता का अधिकारी नहीं बना सकते। इसलिए पहला अपेक्षित आवश्यक बिंदु है प्रतिभा, और उसे निखारने तलाशने में काम करने वाली दूसरे तत्व की भूमिका व्युत्पत्ति के रूप में मानी गई है। इस प्रकार काव्य मर्मज्ञ, काव्य शास्त्र तथा लोक व्यवहार पटु व्यक्ति भी काव्य रचना व्युत्पत्ति की सहायता से करने लगते हैं, और अशिक्षित ग्रामीण कवियों द्वारा सुंदर ग्राम्य गीतों की रचना भी संभव नहीं हो पाती अगर प्रतिभा न हो। तो ये बात कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे कोई विद्यालय में गया नहीं, शिक्षा ग्रहण की नहीं, साक्षरता उसे मिली नहीं, अक्षर ज्ञान उसे हुआ नहीं, और जीवन भर वो खेत में खलिहान में काम करता रहा, लेकिन उसे उसके अंदर का जो कालिदास है, उसके अंदर का जो तुलसीदास है, बड़ा कवि है, उसे अवसर नहीं मिला कि वह उसे मुखर कर सके, कि वह उसे इस रूप में प्रस्तुत कर सके कि उसके जो कवि गुण हैं
वो प्रस्फुटित हो जाए, उद्घाटित हो जाए, तो इसका मतलब यह भी है कि व्युत्पत्ति का होना प्रतिभा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल प्रतिभा उतनी बात नहीं कर पाती, उसमें अगर व्युत्पत्ति का छोंक लग जाए तो और बेहतर कविता और कवि हो सकता है। अभ्यास के विषय में भी यह कहा गया कि जो एक आचार्य मंगल नामक आचार्य हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया कि काव्य का प्रमुख हेतु भले ही प्रतिभा हो, उसके सहायक हेतु के रूप में भले ही व्युत्पत्ति हो, लेकिन अभ्यास की भी अपनी एक विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि बार 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 कवि जब कविता लिखता है, बार बार कवि जब उसे संवारता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कवि जयशंकर प्रसाद ने मूल रूप में प्रथम लेखन अवसर में कामायनी का जो प्रारूप तैयार किया, जो ड्राफ्ट तैयार किया, वह उसी रूप में भी प्रकाशित है। उसमें बहुत से परिवर्तन महाकवि प्रसाद ने बाद में काटपीट करके, परिवर्तन करके किए। वह संशोधित और परिवर्तित संस्करण भी प्रकाशित है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक मूल रूप में प्रसाद ने बाद में चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, कहाँ शब्द बदला, कहाँ पदबंध बदला, कहाँ वाक्य बदला या चरण बदला, ये हम देख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अभ्यास से धीरे धीरे कविता में और निखार आने लगता है। इस तरह काव्य का न तो अनिवार्य हेतु अभ्यास है, न व्युत्पत्ति है, लेकिन इनकी उपस्थिति प्रबल शक्ति, प्रतिभा को और शक्ति को प्रदान करती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कविता के हेतु पर विचार करते हुए संस्कृत काव्यशास्त्र में विस्तार से विवेचना का निष्कर्ष यह निकला कि काव्य का अनिवार्य और एकमात्र हेतु यदि प्रतिभा है, तो व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के वो परिष्कारक पोषक तत्व हैं जिनसे उसे ताकत मिलती है। कवि कवि धर्मा बनता है, उसके पास वो तमाम सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान जिसका अभाव होता है प्रतिभा के बिना, प्रतिभा के बाद भी वह उन तमाम पक्षों में नहीं झांक पाता जो अध्ययन से, अर्जन से, शिक्षण से, प्रशिक्षण से वो अर्जित कर लेता है। इसलिए प्रतिभा संपन्न कवि और उसकी प्रतिभा में एक अभेद संबंध होता है, और जब ये सारे गुण मिल जाते हैं, सहजा सुकुमार प्रतिभा उसके पास होती है, तो स्वभाव युक्त कवियों की प्रतिभा विचित्रा, जिसको हम विलक्षण कहते हैं, और उभय स्वभाव युक्त कवियों की प्रतिभा, जब सब कुछ मिल जाता है, तो वह एक अच्छे कवि के रूप में, एक अच्छी कविता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो मित्रों, यह जो चिंतन है, यह इस बात की ओर हमें ले जाता है कि संस्कृत में, हिंदी में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जब चिंतन किया गया तो इसकी ओर संकेत किया गया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य हेतु पर बात करते हुए प्लेटो ने, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल जो है, अरस्तु, इनके चिंतन में अनुकरण का बड़ा महत्व था। तो प्लेटो के अनुसार कवि, जिसे वो विक्षिप्त प्राणी मानता है, और यह भी मानता है कि कविता जो है वो कवि के पागलपन के क्षणों की अभिव्यक्ति है, तो भारतीय शब्दावली में प्रतिभा की ओर जिस तरह से हम संकेत करते हैं, ये पाश्चात्य चिंतक उसी के लिए शक्ति की ओर, फ्लैश की ओर संकेत करते हैं। अरस्तु ने, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, कला की मूल प्रेरणा अनुकरण को माना, अनुकरण की प्रवृत्ति को माना, और यह कहा कि साहित्य जीवन की विभिन्न घटनाओं का अनुकरण मात्र है, और वह अनुकरण आनंदप्रद है, इसलिए वह सृजनात्मक है। और इसका प्रमाण यह है कि जीवन में जिन पदार्थों के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें दुख होता है, वेदना होती है, उनकी यथावत प्रतिकृति का भावन
हमें आह्लादकारी बनाता है, आनंदित करता है। इसी को हमारे यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में करुण रस के आस्वाद के रूप में विवेचित भी किया गया। करुण रस जब कविता में आता है तो पाठक या दर्शक को दूसरे की पीड़ा देखकर भी आनंद आता है, तो ये करुण रस का आस्वाद है। उसकी ओर संकेत प्लेटो के बाद अरिस्टोटल ने भी किया था। इस तरह अनुकरण का मूल कारण मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य प्रेम से मानव में आत्म प्रदर्शन की भावना, इससे जोड़कर उन्होंने प्रस्तुत किया। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट और हीगल, 18वीं शताब्दी का उनका समय है, उन्होंने भी सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण को काव्य का हेतु माना और तीनों की सहज प्रवृत्ति को कविता के लिए अपेक्षित और आवश्यक माना। इसलिए वो लिखते भी हैं, सौंदर्य की अनुभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में आनंद का जो स्रोत आविर्भूत होता है उसी का उच्छलन कविता के रूप में प्रस्तुत होता है। लॉन्जाइनस ने भी उदात्त तत्व के विवेचन के अंतर्गत 5 विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, महान धारणाओं की क्षमता, विषय की गरिमा, भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना और गरिमा में रचना विधान। इन सब को किसी ना किसी रूप में भारत में जो संस्कृत काव्यशास्त्र में जिन हेतुओं की चर्चा की गई है उसी से जोड़कर व्युत्पत्ति और अभ्यास के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वही सारे बिंदु हैं जो पाश्चात्य चिंतन में भी हमारे समक्ष आते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर जॉनसन ने काव्य हेतु प्रसंग में इस वाद की चर्चा करते हुए शास्त्रीय नियमों के परिपालन का उल्लेख किया और यह माना कि इसकी आवश्यकता अपेक्षा बनी रहती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चाहे बात कॉलरिज की हो, क्रोचे की हो, फ्रॉयड की हो, ये सारे चिंतक वो हैं, एडलर की हो, इन सब ने भी प्रकारांतर से जिन काव्य हेतुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र में विस्तार से विवेचित किए गए प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इसके आसपास या इससे संबद्धता प्रकट करते हुए ही दिखाई देते हैं। मित्रों, अभी इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आगे फिर हम आपसे इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन को, जिनके माध्यम से हमने आज का ये व्याख्यान यहाँ पूर्ण किया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, अगर आपके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो या फिर अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप लिख भेज सकते हैं info.cec@nic.in पर। जल्द इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, बार बार देखें और उसके उपरांत हमें ज़रूर लिख भेजें। आज आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। नमस्कार।